सॉफ्टवेयर, ये है मेन डैम। इतने रिस्क में हूँ, मतलब अगर मेरा मोबाइल गिरा तो भाई खत्म हो गया मोबाइल। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अदर न्यू व्लॉग। दोस्तों मेरे व्लॉग होने वाला न्यू ईयर का, और आज हम लोग जा रहे हैं वापस सतना, और अभी हम लोग नागपुर में, और अभी अपन डीजल डलवा रहे जैसे आप देख लो, और सब पैक वैक हो गया। सुबह इसलिए व्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि जल्दी जल्दी अपन को निकलना था, और अभी कुछ अराउंड बज गए 9:30, तो आज अपन सतना निकल रहे हैं और अराउंड हम लोग को 8 से 9 घंटे लगने वाले, तो देखते हैं हम लोग कितने बजे तक पहुँचते हैं। और आज का आप लोग को पूरा व्लॉग दिखाने वाला हूँ कि आप लोग पूरे दिन करें क्या, न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा हाईवे पे रुके थे क्योंकि मैं आगे बैठने वाला हूँ, पीछे बैठा था क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ जैसे मैं बताया पेंच फॉरेस्ट आ ही गया है, और ये पीछे बहुत सारे यार देख लो बंदर बहुत है, तो पीछे बहुत सारे बंदर हैं। अभी मैं आगे बैठता हूँ और आपको व्यू दिखाता हूँ, व्यू काफ़ी मस्त है यहाँ का। Never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah. दोस्तों अब पेंच फॉरेस्ट चालू हो गया है, जैसे आप देख लो यहाँ पे फेंसिंग दी हुई है क्योंकि फॉरेस्ट है अगल बगल दोनों जगह, और फॉरेस्ट बहुत बड़ा है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, और फॉरेस्ट की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, इसके बाद या इस 2 दिन वीडियोस के बाद फॉरेस्ट की वीडियो डाल दूंगा मैं। Had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. दोस्तों अब हम लोग आए हैं ये एक मंदिर में, हाईवे पे पड़ता है, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से। तो यार ये देख लो, ये है मंदिर और इसकी मान्यता बहुत है। दोस्तों ये था मंदिर, मैंने आपको थोड़ा सा अंदर से भी दिखा दिया, आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा है मंदिर। तो देखो काफ़ी मतलब बोलते हैं मान्यता है इस मंदिर की। दोस्तों वी आर बैक जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, तो यही वो वाला होटल है जहाँ पे हम लोगों ने कॉफ़ी पी थी, और मैं कॉफ़ी तो पीने वाला नहीं क्योंकि कॉफ़ी अच्छी नहीं थी यहाँ की, तो मम्मी लोग चाय वाय पियेंगे, तो अपन भी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं क्या है। तो यार चाय कॉफ़ी होगी, मैं तो कुछ लिया नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं था। और यहाँ पे कुछ बाइकर्स मतलब राइडर्स भी आए हैं जो मोटर व्लॉगिंग वगैरह कर रहे थे, तो ये देख लो सारी बाइक खड़ी, अराउंड 8 से 9 बाइकर्स हैं। तो अब हम लोग निकलते हैं यार अपने सतना के लिए, यहाँ से अराउंड 200 किलोमीटर बचा होगा, मैं आपको एग्जैक्ट यहाँ पर अपडेट कर दूँगा कितना किलोमीटर है। तो अभी चलते जल्दी सतना, और गर्मी हो रही है अभी, मैं हुडी वगैरह पहन लूँगी, सतना में ठंड हो गई है। दोस्तों हम लोग अभी सडन प्लान बना कि हम लोग अब जाएंगे बरगी डैम, तो यहाँ से मेन रोड से अराउंड गूगल मैप पे 12 किलोमीटर दिखा रहा है, तो देखते हैं यार वहाँ पे हम लोग क्या देख पाते हैं। You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella love. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging, the going come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right.
दोस्तों पहुंच गए हम लोग डैम तैयारी, देख लो पीछे है ये मतलब रिवर जा रही है, नर्मदा रिवर शायद है ये। और ये देख लो काफ़ी मतलब बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, धूप काफ़ी तेज़ है और मैं गॉगल्स लाना भूल गया यार अपना। का भी एरिया देख लो ये कुछ ऐसा है, अभी शायद हम लोग डैम भी जा रहे हैं तो यार देखो काफी सारा पानी यहाँ से बह रहा है। दोस्तों हम लोग डैम के थोड़ा पास आ गए हैं, हम लोग पहले उधर से मैं दिखाता हूँ, वो उस साइड थे पहले हम लोग और अभी थोड़ा डैम के थोड़ा पास आ गए हैं। अब मैं आपको नीचे थोड़ा सा दिखाता हूँ, मैं थोड़ा आगे जाऊँगा नहीं क्योंकि यार डेंजरस है। दोस्तों ये देख लो अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ और भाई कचरा पता नहीं यहाँ क्यों पड़ा है और बहुत नीचे मैं जाऊँगा नहीं, वहाँ पे कुछ लोग भी नहा रहे हैं। और यहाँ पहले हम लोग वहाँ पे थे, उस साइड पे थे, वहाँ फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे थे अपन, अब यहाँ आ गए हम लोग। और वो देख लो वो पूरा डैम एरिया है, देन वहाँ टर्बाइन वगैरह सब है और वहाँ पे मतलब नीचे जाने के एरिया मेरे को पता नहीं अब कहाँ से जाते, नहीं तो भाई नीचे अपन ज़रूर जाके वीडियो बनाते और वो फोटो सेशन भी वहाँ चल रहा है। दोस्तों अब अपन जा रहे हैं नीचे, तो यार ये देख लो काफ़ी ख़तरनाक मतलब स्लैंटिंग एरिया है, उधर अपन जाएंगे नीचे, आपको थोड़ा सा दिखाते हैं व्यू। तो यार ये थोड़ा डेंजरस है तो नीचे आना, एंड दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, अगर आप आ रहे हो तो यार कोई और जगह आप ढूंढ लेना नीचे आने के लिए, क्योंकि हम मैं यार बड़ी मुश्किल से आया नीचे। तो यार दिखाता हूँ आपको यहाँ से व्यू, तो पहले हम लोग ऊपर में थे वहाँ से मैं आपको व्यू दिखा रहा था, तो अब मैं आ गया हूँ नीचे, अब यहाँ से व्यू थोड़ा पास लग रहा है, मैं पानी के पास जाता हूँ आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं आ गया हूँ बिल्कुल पानी के पास, तो यार ये देख लो एकदम पानी इतना साफ है, तो यार ये देख लो पानी काफ़ी साफ है, मतलब गंदा नहीं है पानी, ये अच्छी बात है बहुत। और वहाँ से आ रहा है पूरा पानी, जैसे देख लो तभी हम लोग नीचे आए देखने के लिए, यहाँ से पानी आ रहा है, उस साइड पूरा डैम एरिया है, मतलब वहाँ से पानी आता है जैसे समझ गए ना। और ऊपर कुछ लोग भी हैं वहाँ से ऊपर का व्यू देखने के लिए, लेकिन अपन नीचे आ गए। मोनिश इज ट्राइंग टू गो एट दैट स्पॉट। मोनिश स्पीक अगेन। यार ये बहुत डेंजरस है, फोन लेके मैं उधर जा रहा हूँ। यहाँ आता ना, यहाँ अच्छा गंगे। हेलो एमटीएम। यस। मैं पहुंच गया हूं। बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं। यहां का व्यू बहुत अच्छा है। मोबाइल पे शूट करता हूं। देखो मैं बैठा हूं यहां पे, तो यार ये व्यू काफी बढ़िया लग रहा है और भाई पानी बहुत ठंडा है, पानी उधर से आ रहा है जैसे आपको दिखाया, वो दीदी शूट कर रही है कैमरे से फोटोज वगैरह। तो यार ये देख लो काफ़ी तेज़ बहाव है पानी का, जैसे आप देख सकते हो मोबाइल में उतना अच्छा समझ में आ रहा है कैमरे से ज़्यादा। तो यार ये देख लो अभी मैं इतने रिस्क में हूँ, मतलब अगर मेरा मोबाइल गिरा तो भाई ख़त्म हो गया मोबाइल। और बहाव बहुत तेज़ है और पानी का बहाव बहुत तेज़ है, पानी बहुत ठंडा भी है जैसे आप देख लो, मतलब पानी एकदम साफ़ है, ये देखो पानी बहुत ज़्यादा ही साफ़ है इसका। और ये मोबाइल से कर रहा हूँ तभी थोड़ा क्वालिटी डाउन हो गई होगी। मैं आ गया हूँ बाहर, तो यार पैरों का हालत एकदम गंदा हो गया, पैर कीचड़ कीचड़ हो गया, तो यार अब इसको जाओ हम लोग बाय बोलते हैं, अब चलते हैं ऊपर। तो यार चलते हैं वापस, अब फिर से ट्रैक करना पड़ेगा, मतलब ट्रैकिंग ही हो गई एक तरह से। अब मैं ऊपर जाता हूँ तो यार जाना बहुत मुश्किल है, आना भी मुश्किल था, जाना भी मुश्किल होता ही है। तो यार ये देख लो पीछे पूरा डैम, मैं आपको पूरा टूर दे दिया। अब हम लोग ऊपर शायद ना जाएं क्योंकि टाइम की दिक्कत है, हम लोगों को सतना भी निकलना है और रात हो जाएगी सतना जाते जाते, यहाँ से 220 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो यार चढ़ाई थोड़ी मुश्किल है, मतलब ऐसे आप मनाली वनाली जाते हैं लोग वैसे ही चढ़ाए ना यहाँ पे भी। तो यार देख लो इतनी चढ़ाने, दीदी भी चढ़ रही है, मेरी दीदी, तो भाई हम लोग तो थक गए इतने में ही, देखो काफ़ी नीचे कैमरे में उतना समझ में नहीं आ रहा है। और मैं दीदी को बोल रहा था ये फिर भी ट्रैकिंग ईजी है, मनाली वगैरह की तो बहुत टफ ट्रैकिंग होती है,
दीदी तो यार थक गई, थोड़ा सा मैं भी थक गया, बट मेरे जूते थे तो उससे मैं बच गया। दीदी शूज पहन के नहीं आई, उनकी चप्पल है, मैं तो अपने एडवेंचर शूज पहन के आते क्योंकि मेरे को पता था ऐसा ही हो गई। दोस्तों अभी हम लोग आए मेन डैम के एरिया में और यहाँ पे यार मेला ही लगा हुआ है, इतने सारे लोग हैं, अराउंड 1000 के ऊपर ही लोग होंगे, मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। यार ये देख लो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी सारे लोग हैं और भाई गाड़ियों की यहाँ मतलब बहुत पार्किंग लगी हुई है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी। यार यहाँ की एंट्रेंस यहाँ से और काफ़ी मतलब अजीब सी एंट्रेंस है, अब मैं अंदर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ा डैम लग रहा है, तो ये एक छोटा सा डैम यहाँ पे लग रहा है मेरे को, यहाँ से पानी का फ्लो है उधर जा रहा है। हम लोग वहीं से आए हैं, वहाँ से जैसे देख लो हम लोग वहाँ से आए हैं, पूरा मतलब रोड है फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गए। तो यार ये है मेन डैम और अब जहाँ तक देख सकते हो वहाँ तक पानी है, यार देख लो बहुत दूर तक पानी दिख रहा है और एक टापू भी दिख रहा है मेरे को, लेकिन फॉग की वजह से थोड़ा सा विजन कम है, लेकिन आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यार ये देख लो यहाँ से चालू होता है और जहाँ तक नज़र आ रही है ना वहाँ तक पानी है, लेकिन उस साइड थोड़ा टापू वगैरह मेरे को दिख रहे हैं, वहाँ पे मेनली एक टापू दिख रहा है लेकिन कैमरे में उतना समझ में नहीं आ रहा है। और मतलब जहाँ तक दिख रहा है यार वहीं पानी है, काफ़ी सारे लोग हैं उधर साइड में, मतलब सब अपना चिलविल कर रहे हैं, यार यहाँ पे पानी है। तो यार मुझे लगता है ये रेनी सीज़न में काफ़ी अच्छा लगता होगा, बट रेड अलर्ट भी होता होगा क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा भर जाता होगा। अभी तो उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी पानी काफ़ी सारा है यहाँ पे। तो यार अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, यहाँ पे मतलब मज़ा आ रहा है बट रेनी सीज़न वगैरह में काफ़ी अच्छा लगेगा, अभी क्योंकि फॉग वगैरह भी है तो अपने को ज़्यादा विजन नहीं है। अगर आप पीछे तक जाओगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा और व्यू मिल जाएगा, बट हमारे पास ऑफकोर्स टाइम नहीं है, सतना निकलना है, तो अभी थोड़ा टाइम की कमी की वजह से हम लोग यहीं इतना एक्सप्लोर करके निकलते हैं। सो ये व्यू काफ़ी बढ़िया लग रहा है मेरे को मतलब उससे, बट वो वहाँ पे पानी बहुत सारा था। So, दोस्तों आई होप आप लोग को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा और उसके बाद मैं अब कैमरा उठा रहा हूँ क्योंकि मैं गाड़ी में सो गया था और यार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, अराउंड हम लोग 1.5 घंटा ट्रैफिक में फंसे रहे और उसके बाद मैं ब्लॉग किया नहीं क्योंकि वहीं रोड वैसी थी, सेम वैसी था और अंधेरा भी हो गया था। और हम लोग घर पहुँचे अराउंड 8:30 बजे और अभी कुछ 9 बज गए, तो हम लोग की जर्नी है अच्छी है बट हम लोग 1.5 घंटा ट्रैफिक में फंस गए, वो सबसे बड़ा दिक्कत हो गई, नहीं तो हम लोग आराम से घर पहुंच जाते 7 बजे तक। और अब मैं अपने घर में आ गया, अपने रूम में आ गया हूँ और इस सब व्लॉग को एडिट करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल कर दो सब्सक्राइब, और नागपुर की मैंने 2-3 वीडियोज़ और शूट किए हैं वो मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं कोशिश करूंगा रेगुलर रहने की, मतलब 1-2 दिन में अपलोड कर दूँ उसको क्योंकि वो लंबी वीडियोज़ हैं थोड़ी थोड़ी, तो मज़ा आने वाला है, तो उसके लिए आप चैनल पर बने रहना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो चार्ज कर देना, थैंक फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। एंड हाँ यहाँ पे ठंड थोड़ी हो गई है तो मैं हुडी पहन लिया हूँ, नागपुर में और महाराष्ट्र में तो थोड़ी गर्मी थी तो वहाँ टी शर्ट में चल रहा था, अब यहाँ ठंड हो गई तो मेरे को हुडी पहनना ही पड़ा।